कैसे हो आप? इस समय सब लोग घर पे सो रहे थे, तो शांति से धीरे धीरे तैयार होकर बाहर निकला हूँ। और टाइम हो चुका है एक नई राइड का, राइडिंग आफ्टर माई लास्ट बिग वन टू राजस्थान। सो द राइड टुडे इज गोइंग टू बी लाइक 450 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो, एंड वील बी राइडिंग टू द सिलिसर लेक इन अलवर। तो देखते हैं कैसा रहता है, आई एम गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो द टाइम राइट नाउ इज 5 मिनट्स टू 6, और आई नीड टू रीच DND बाय 6:40। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, अभी ग्रेटर नोएडा से DND पहुंचने में एटलीस्ट 30 मिनट्स लगेंगे पेट्रोल फुल करा के। सो लेट अस गो। यो यो यो। सुबह वाली फीलिंग, बढ़िया वाली सुबह वाली फीलिंग। हल्का हल्का सा फॉग दिख रहा है, आई होप बहुत ज्यादा फॉग ना मिले हाईवे पे। लास्ट वाला एक्सपीरियंस वॉज प्रिटी बैड जब राजस्थान राइड करी थी। अगर आपने वीडियोस देखे हो, पहला दिन बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ था फॉग के कारण। दिल्ली की सर्दी का जो परफेक्ट वेदर है ना, वो वाला वेदर स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज्यादा सर्दी नहीं है, बट सुपर बाइक चलाने के लिए परफेक्ट मौसम है। इट्स 11 डिग्री सेल्सियस एज यू कैन सी देयर, बट ज्यादा ठंड नहीं लग रही है, वेरी कंफर्टेबल। 6:33, 7 मिनट्स फॉर DND। चलो चलो चलो। यहां पे मिलना है मुझे, वेट करते हैं सुमित और सुशील अंकल का। आओ आओ। नमस्ते अंकल, कैसे हो? सो फिर से सुमित और सुशील अंकल ज्वाइन कर चुके हैं, आगे 2-3 लोग और मिलने हैं शायद। लक अच्छा रहा तो आज एक डुकाटी दिखने वाली है। वो प्रेडेटर वाला हेलमेट ले लेना चाहिए, प्रेडेटर वाला। अच्छा सर, आपकी फुटेज चाहिए हमें अपने वीडियो में। ओ हो, बढ़िया भाई। 160 किलोमीटर 3 घंटे। बाइक के बदल के जाना है। ओके, डन। पानी काले मल्टी स्ट्राडा 950, निंजा 1000 वर्सेस 1000, टाइगर 800। लाइनअप बहुत बढ़िया हो चुका है आज का, मजा आने वाला है राइड में। ये जाना इंटरनेशनल वाले भाई साहब, मिस्टर विवास ऑन पानी काले। आज बाइक ही स्विच होके चलनी है, फिर से मजा आएगा बहुत तगड़ा। ये है जिंदगी, बीच में हम इस तरफ मल्टी स्ट्राडा, इस तरफ पानी काले। ये वाले भाई साहब से तो दूर चलना चाहिए यार, अपनी बाइक का एग्जॉस्ट नहीं सुनाई देता बिल्कुल। अलग ही शोर मचाया हुआ इस बंदे ने। लुक एट द नंबर ऑफ बाइकर्स आउट देयर, सारे ही बाइक लेके निकले हैं आज। वाओ, 800-900 बाइक्स तो यहाँ पे होंगी, आई थिंक 1000 होंगी यहाँ पे। जाना वाले भाई साहब की डुकाटी की लुक देखो जरा यार, क्या अमेजिंग है। इसको थोड़ी देर में चलाता हूं, मुझे लगता नहीं मैं इस पोस्चर में ज्यादा देर चला पाऊंगा वैसे। सो आफ्टर द इनिशियल रश वी हैव फाइनली एग्जिटेड द मेन गुड़गांव एरिया। अभी मानेसर टोल आगे आएगा, सो उसके बाद और रोड खुलेगी। सरप्राइजिंगली द लोएस्ट कैपेसिटी बाइक टुडे इज माइन, 800 cc। दो दो डुकाटी
क्या बात है यार, क्या बात है। सो ये जो भिवाड़ी का टर्न आ रहा है 6 किलोमीटर लेफ्ट वाला दिखा रहा है, आई थिंक वी नीड टू टेक दिस। श्री बालाजी फैमिली होटल। अरे चल लो, नहीं है। हाँ लाइट हो गया थोड़ा क्लच। भाई साहब लाइट नहीं तो बाइक चलाएगा तो कहेगा वाह। एक बहुत बड़ी सी लेक है जिसके अंदर क्रोकोडाइल्स पाए जाएंगे और दूर उसके अप्रोच पे बहुत सारे मॉन्कीज दिखेंगे। मैं मॉन्कीज बहुत बढ़िया। पटाखे मार रही है निंजा। आ गई फिर से पारी। चलो, पता भी नहीं लगता यार, 130 टच हो जाती है 1 सेकंड में। क्या विंड प्रोटेक्शन है यार, नेक्स्ट लेवल। फोर्थ गियर में कुछ था, 195 टच हो गया पीछे रोड में। थोड़ा 2 मिनट ना कंफर्टेबल इस पोस्चर में होने में लग रहे हैं मुझे। एक रॉन्ग टर्न पीछे ले लिया था जिसके कारण पूरा अलवर सिटी के अंदर से निकलना पड़ा। अब आई थिंक बढ़िया एरिया आने वाला है और हम लेक के आसपास हैं, 15 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। हेलो हेलो भाई साहब, कौन सी बाइक है ये, कितने की है? अरे हमारी फोटो भी खींचो भैया डुकाटी वालों के साथ। एक बार यहाँ से देख कर आए, यहाँ क्या मैं जहाँ से आया हूँ ना वहीं से आना, वो रास्ता सही है। सो ये है लेक का व्यू। बहुत ज़्यादा साफ जगह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गंदा है इस एरिया में, बट फिर भी एक ड्रोन शॉट ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं इस पूरी सीनरी कैसी लगती है वाली।
चलो चलो। So this is the Ram Bihari Palace and I think we needed to go here only. Wow, ऊपर? वाह वाह वाह, क्या approach है? ऊपर जाना? चलो। वाह जी वाह। ओ हो हो। यो। क्या जगह है? फाइनली वी आर हेयर। आज मुझे लगता है पूरा दिन यूज़ हो जाएगा घर तक पहुँचने में। आज 5-6 बजे तक ही घर पहुँच पाएंगे। बट एनी वेज आई थिंक द प्लेस सीम्स प्रिटी गुड, अ वेरी नाइस फील टू इट, ओल्ड स्कूल फील टू इट, एंड दिस इज वन प्लेस दैट आई वुड रियली वॉन्ट टू कम एंड स्पेंड वन नाइट। Staff here is a little arrogant, that is what I have seen. एक बार ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी, उन लोगों ने मना कर दिया, saying that they'll charge me if I want to take a drone footage of the place. There is the Silisar Lake. So this is the 959 Panigale. Looks like a miniature machine in front of the Versys 1000. And I rode it for some time. I think about a good 10 to 15 kilometers. Clocked about 170 kmph in no time. This is a brutal machine. A maniac. That sort of madness you do not experience in the Tiger. So after that lunch, हो गया टाइम वापस चलने का। 2:21 PM on the clock. यहाँ से 3 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ग्रेटर नोएडा पहुँचने में। That too, if I ride constantly and if we don't take any breaks.